एंड आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक्स 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 ए लॉट। रात से बोल रहे हो तुम? हाँ, कल से मैं बोल रही थी। कल रात से बोल रही थी कि मतलब तुम कहीं पर लेके नहीं जा रहे हो? एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि मूवी देखने चलेंगे। आलू चॉप, समोसा हो गया, दही बड़ा, चाट, ये सब। और ये देखो सौम्या, मतलब खाने में पूरा लग पड़ी है और कुछ बोलने के लिए भी नहीं है, घुस पड़ी है पूरा खाने में। भाभी कैसा लग रहा है? मस्त। क्या हुआ, किधर देख रहे हो, सोच क्या रहे हो? सोच क्या रहे हो? काड़ो काड़ो चीज़ ये चीज़ी बस ठीक है, बढ़िया बढ़िया है ना। ब्रह्मास्त्र, बट उसका तो छोड़ो, अभी सब बोल रहे हैं कितना अच्छा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों फालतू मतलब इतना पैसा वेस्ट करना, जब मतलब लोगों का रिव्यू आ रहा है कि मूवी अच्छा नहीं है तो और क्यों देखने जाना। मतलब चलेंगे बट बाद में, अभी मतलब आज और फिलहाल प्लान नहीं है, लेट्स सी बाद में देख सकते हैं। तो वही, तो अभी जा रहे हैं हम फिलहाल चिरंजीव भैया के घर की तरफ। ये भी इंस्टेंट प्लानिंग हुआ गाइस, मतलब हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि चलो कहीं पर घूमने के लिए चलेंगे, फिर चिरंजीव भैया को फोन किए, बोले चलो घूम के ही थोड़ा आते हैं, कहीं मॉल वगैरह कैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पर जा रहे हैं, मॉल ही जा रहे हैं घूमने के लिए। लास्ट में हम दो बार गए थे, मैं हाँ। पिंकू और मैं भैया भाभी के साथ, मतलब पिंकू के भैया भाभी के साथ, बट बस हम सिर्फ निकलते हैं कार से, गेम जोन जाते हैं, गेम थोड़ा खेलते हैं और आ जाते हैं, बट मजा आता है। बट वही थोड़ा सा मतलब घूमो साथ में, थोड़ा देखो सब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फूड कोर्ट में बैठो, चाय वाय पियो, तो वैसे टाइप का थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड करो, वैसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने चलो आज घूम के आते हैं, आज ही टाइम मिला है तो आज घूम के ही आते हैं, क्योंकि फिर मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस और इसका जो काम चल रहा है उसमें बिजी रह जाएगी, तो वो सब चल रहा है गाइस। अभी चल रहे हैं, भैया भाभी को पिक करेंगे, उन लोगों को पिक करते हुए फिर चलेंगे आप लोग। भैया और भाभी कंटेंट की गला अच्छा। सो जाओ मस्त कुशन पकड़ के, क्योंकि अगर इधर से वापस जाने वाले हैं ना हम लोग, फिर बस नहीं, नहीं, बोलना ही पड़ेगा। तो जाएंगे किधर और कहाँ जाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब गोपालन मॉल चले भाई। कौन सा गोपालन मॉल? थोड़ा एक बार तो आप चेक कर लो, चेक तो करो एक बार भाई, कौन सा गोपालन मॉल? मैंने गोपालन इनोवेटिव मॉल कहाँ पे जगह थोड़ा कोई बोलो भी बोलो सेटा मु कोइली सेटा देखो मारो केते मिनट देखो जी फांका आसी कि नै रोड कोटा बेटर अछि सेटा चेक करो इधर एपटा जवाडा बेटर रहू छै सपोर्ट ठीक है ना। गोपालन इनोवेटिव मॉल। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शेयर विद यू गाइस दिस ब्यूटीफुल पैक व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम जो जो कि एक इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ ये 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। एंड पहले भी मैंने इसका एक टोटे बैग लिया था, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी ने चेक नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे आप लोग चेक कर लेना। दिस टाइम मैंने ये हैंड बैग लिया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, इसकी जो डिजाइन एंड इसकी जो साइज वगैरह काफी अच्छा है, अगर आप डेली बेसिस पे कहीं ऑफिस वगैरह के लिए कैरी करना चाहते हो बहुत अच्छा है, आपकी जितने भी स्टफ्स होता है अंदर इजीली आ जाएगा। एंड साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी भी है बहुत अच्छी है, एंड इसकी जो डिटेलिंग्स एंड इनकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे और भी वैरायटीज के बैग्स मिल जाएंगे, चाहे वो बैकपैक हो, लैपटॉप बैग हो, स्लिंग्स बैग, हैंड बैग, टोटे बैग, पर्स वगैरह और बहुत सारे वैरायटीज के बैग मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप एक बार इनकी जो वेबसाइट है जाके चेक करना। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे प्रोमो कोड के थ्रू से शॉपिंग करोगे, जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिलेगा।
तो डेफिनेटली ट्राई करना। एंड इस पे की अगर मैं बात करूं, साथ ही में आपको इसमें एक मिल जाएगा, इस तरह के एक स्लिंग्स मिल जाएगा जो कि डिटेचेबल है, आप चाहो तो इसको फिक्स कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं। तो अगेन मुझे ये चीज भी बहुत अच्छा लगा कि एज आप इसको हैंड बैग भी यूज कर सकते हो, एज ए स्लिंग्स बैग भी यूज कर सकते हो, एंड अंदर भी कंपार्टमेंट भी बहुत अच्छी है। अगर आप लाइक एक छोटा सा जीप है जिसमें आप आपकी कैश वगैरह एंड कार्ड वगैरह वो भी अच्छे तरह से रख सकते हो, एंड साइड में छोटा छोटा दो कंपार्टमेंट है जिसमें आपकी पेन वगैरह, छोटा मोटा डायरी एंड कुछ भी छोटा मोटा सामान जो भी आप चाहो रख सकते हो। तो ओवरऑल इसकी जो डिजाइन है मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड ये इस तरह से एक बैग है जो कि आपकी इंडियन आउटफिट में भी चल जाएगी, साथ साथ वेस्टर्न में भी बहुत अच्छा लगेगा, इंडो वेस्टर्न टाइप की इसकी जो स्टाइल है, तो इसलिए मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। तो आई विल मस्ट रिकमेंड कि आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट जरूर विजिट करना। तो कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली वो तो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, बट ये डिसाइडेड है कि आज शांतिनिकेतन तो नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि वहाँ से चले हैं अलग एक रोड पे। तो आज पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे बैंगलोर पे एक जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पे एक छप्पन भोग बोल के एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, जहाँ पे मतलब वो आलू चॉप समोसा वगैरह वो सब बहुत बढ़िया मस्त मिलता है। तो पहले वो हम एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, एंड फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और जैसे ही हम लोग पहुंचे, आप लोग देख सकते हो सामने पूरा गर्मा गर्म जो आलू चॉप होता है ना, और ये एक्चुअली हमें ओडिशा टाइप का हर जगह पे नहीं मिलता है। तो देख के सब पूरा खुश हो गए थे, सबका मतलब डिसाइड मतलब कर रहे थे कौन क्या खाएगा, कौन आलू चॉप खाएगा, कौन समोसा, कौन दही वड़ा, तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। हमने प्लान किया कि सब एक एक मतलब अलग अलग टाइप का लेते हैं, फिर मिल बांट के खाएंगे ताकि सबको सब कुछ का टेस्ट मिले और मज़ा आए। और मतलब स्वीट्स तो आप देख ही सकते हो, मतलब इतना वैरायटीज़ का था ना। तो फिर पहले हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं, फिर जो भी मतलब मन करेगा स्वीट्स वगैरह वो सब भी खाएंगे। कैसा है भाई टेस्ट? एकदम अल्टीमेट है। और जो भी हमारा हिंदी मतलब हमें हिंदी सब्सक्राइबर तो ऑब्वियसली रहेंगे, वो लोग आके एक बार छप्पन भोग जो जगन्नाथ मंदिर के पास है वहाँ पर एक बार आके ये जो स्नैक्स रहता है हमारा ओडिया स्नैक्स, आलू चॉप समोसा हो गया, दही बड़ा, चाट, ये सब। और ये देखो सौम्या मतलब खाने में पूरा लग पड़ी है और कुछ बोलने के लिए भी नहीं है, घुस पड़ी है पूरा खाने में। भाभी कैसा लग रहा है? मस्त। मुंह में पानी आ रहा है सबका। कलर आओ कि ना वो किनो सेव और अभी खा पी लिए गाइस, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कोरमंगला राइट, कोरमंगला फोरम मॉल। यस, कोरमंगला 100 फीट रोड में है। हम लोग पूरा वो वाला मॉल जा के हमारे मतलब शांति निकेतन और वो वाला क्या फिनिक्स सिटी पक गए थे। तो इन लोगों का इसलिए प्लान चेंज हुआ, बोले कि चलो कोरमंगला चलते हैं। मैंने बोला चलो चलते हैं, हमें क्या, हम तो बैठेंगे और चलेंगे, हमारा क्या। और यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्चुअली पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब कार पार्क करने के लिए थोड़ा सा जगह नहीं मिलता है। तो देखते हैं क्या मतलब करेंगे, सोच रहे हैं कहाँ पार्क करेंगे, क्या करेंगे। और ये लोग बोल भी रहे थे यहाँ पे एक्चुअली आसपास ना बहुत सारा कैफे एंड पब वगैरह भी है, तो ये लोग बोल रहे थे चलें क्या, बट मैंने बोला आज तो हम मतलब ढंग से वैसे कुछ रेडी होकर नहीं आए, तो किसी और दिन आएंगे डेफिनेटली। और स्ट्रीट शॉपिंग का भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो सोच तो रहे करेंगे, बट पहले कार कहीं पे पार्क कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो पा रहा है, फिर देखते हैं अगर होगा तो स्ट्रीट शॉपिंग भी करेंगे। इतना मेहनत करने के बाद घूम फिर के हम लोग पहुंचे, और यहाँ पर बहुत सारा सामने ऑटो भी है। हाँ, यहाँ पे आराम से यहाँ पे पार्किंग करेंगे। राइट यहाँ पे पार्क करेंगे, घूमना है तो अंदर घूमेंगे, फिर ऑटो पे बैठेंगे, मार्केट घूमेंगे मस्त, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत इशू है। तो मैं ये मॉल तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम ना? हाँ। तो कहीं भी है भाई, इधर गाड़ी लगी थी देखो ना, ए ये डाइडा फ्रंट है देखो, इटा एंट्री आराम से भाई। ऑटो भैया छोड़ो हमें, ऑटो वाला कैसे चलाते हैं भाई, बहुत डर लगता है, ठोक के भी चले जाएंगे, कुछ बोल भी नहीं पाओगे उन लोगों को। आराम से एंट्री। हाँ, और सभी फोरम तो नेक्सस हो गया, अभी सभी फोरम नेक्सस हो गया है, कलरफुल बना। एंड गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, बट कुछ हमें अनाउंस करनी है। बिग शट आउट टू अतुल जो कि मतलब यूएस में रहते हैं। राइट, तो मेरे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है,
श्रुति, हाँ। जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अतुल को बोल देना कि श्रुति एंड बैंगलोर बोथ आर मिसिंग यू अतुल। उनका लव एनिवर्सरी है 15 सितंबर सो आई गेस आज ही, हाँ, तो क्योंकि मैं वीडियो लाइक 15 को डालने वाली थी, तो उन्होंने जैसे मुझे बोला था, मैंने बोला श्योर मैं ये मैसेज पहुंचा दूंगी अतुल को। तो एंड आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मतलब वो कभी कभी बोलते हैं कि मतलब जब भी उनका कुछ झगड़ा वगैरह होता है वो दोनों साथ में हमारा ब्लॉग देखते हैं। वो एक्चुअली बहुत ही मतलब अच्छा चीज है, मतलब वो यूएस में रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं, तो टाइमिंग मैच करके वो लोग हमारा वीडियो देखते हैं। तो थैंक्स टू अतुल एंड श्रुति एंड आप यू बोथ एंजॉय योर डे। यस इट्स फनी हाउ माय हार्ट इज वायर्ड इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी बट हु एम आई feelings I'm leaving you for someone else but it's not who you might think it is it's someone who you're already loving I've been over this for a long time now and I finally know where my aur ye madam ko dekho hum log piche reh gaye the usko home decor ka cheez dekh liya matlab aa gayi होम डेकर का चीज देख लो मतलब आ गया नहीं है कोई नया चीज कुछ नहीं हुआ रिवल हाँ एज यूजुअल जो था शॉपिंग के लिए निकलेंगे, उससे पहले हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा शेयर क्या बोलते हैं? चाय शेयर कर रहे हैं ना। अरे ये कौन सा शॉप है? कर रहे हो चाय कड़क एंड टी। चाय कड़क नहीं है। और दुकान का नाम क्या है? शॉप दुकान का नाम क्या है? कोई राजस्थानी कुछ है क्या? हुआ किधर देख रहे हो? सोच क्या रहे हो? सोच क्या रहे हो? क्या था? सुलसुलिया मेरा कपड़ा। दो मेरे को दो। पूरा एकदम चायर्स वाला टेस्ट सेम गाइस। फाइनली शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया, ज्यादा वैसे हमने लाइक स्ट्रीट शॉपिंग तो किया नहीं कुछ खास क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। एक्चुअली उस रोड पे ना बहुत सारे पब है, तो ड्यू टू वीकेंड आज बहुत ज्यादा रश था, तो जल्दी निकल आए हम लोग। और अभी रिटर्न करते टाइम हमने सोचा कि ज़्यादा किसी को वैसे भूख तो था नहीं, बट थोड़ा बहुत हमने सोचा कि कुछ तो खाते हुए चलते हैं। तो हमें एक अच्छा सा कैफ़े दिख गया जो कि ये आई थिंक विप्रो के पास है, सरजेपुर विप्रो के पास, एंड बहुत अच्छी सी लाइक एम्बियंस इसका आप देख सकते हो, बहुत अच्छा एम्बियंस था। एंड ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा था एंड ये जल्दी क्लोज हो जाता है 11 बजे तक। तो यहीं पर हम लोगों ने सिंपल सा व्हाइट सॉस पास्ता एंड पिज़्ज़ा, और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया था, भाभी ने कुछ मॉकटेल कुछ तो ऑर्डर किया था, तो वही आज का हमारा सिंपल सा डिनर एंड बहुत अच्छा सा गया आज का दिन। बट पिज़्ज़ा यहाँ का ना बहुत ही टेस्टी था, डेफिनेटली आप एक बार मैं बोलूँगी ट्राई करोगे जो भी मतलब जिसको पिज़्ज़ा पसंद है, बहुत अच्छा स्टफिंग्स एंड बिल्कुल मस्त था पिज़्ज़ा। कैसा लगा आज बोलो? खाना काफी अच्छा था मजा आया ना भैया? पिज़्ज़ा बहुत अच्छा, पिज़्ज़ा खाने के लिए आना है तो यहाँ पर आ जाओगे। ये क्या नाम था इसका? जॉयस था ना ये सरजापुर थोड़ा आगे आने के बाद राइट हैंड साइड में हमने सब खत्म कर दिया है, सब खत्म। और ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, लाइक 11 बजे के आसपास क्लोज हो जाता है, मतलब नहीं कि आप लोग सोचोगे कि रात में आओगे कुछ करोगे, राइट? फाइनली भाभी को ड्रॉप कर दिए। यस
और अब ऑलमोस्ट अभी 12 बजने को आया हुआ है, 12 बज गया। लेकिन गाइस वहाँ पर जो हम लोग डिनर करके आज आया ना, वो पास्ता भी मस्त था, पिज्जा भी मस्त था, पास्ता पिज्जा भी मस्त था। लाइट बंद कर देते हैं। सोम्या कब से बोल रही थी कि वहाँ पर जाएंगे कभी कभी, कभी हाँ हाँ बहुत सारा, एक्चुअली उस रोड पे बहुत सारा छोटा 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 कैफे है, अच्छा लगता है, एंबियंस बहुत ही अच्छा है, एंबियंस बहुत अच्छा था। एंड चलो गाइस साथ साथ ये जो व्लॉग भी है यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं कि अच्छा लगा होगा। एक्चुअली आज काफी टाइम के बाद मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया, मतलब बहुत टाइम के बाद, मतलब रिलैक्स वाला आज पूरा, मतलब आराम आराम से। एक्चुअली आज हम लोग रिलैक्स मूड में थे, मतलब इतना ज्यादा, मतलब वीडियो वगैरह भी मतलब इतना नहीं बनाएंगे, ये करेंगे वो नहीं था एक्चुअली आज, मतलब हाँ जो जो कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, मस्त से आराम से, मतलब होता है ना कोई टेंशन नहीं, कुछ मतलब कुछ भी चीजों में दिमाग से पूरा सब कुछ निकाल दिया था, आराम से घूमो खाओ पियो आराम से घर जाएंगे। और पिंकू लास्ट में बोले थे हम वो कहाँ गए थे, इंदिरा कौन सा वो कोरमंगला था राइट, तो ये लोग बाद में बोले थे पब चलेंगे, नहीं नहीं पब आज जाने का तो एकदम भी मूड नहीं है, और किसी दिन चलेंगे, वैसा नहीं है मतलब तुम लोग ठीक से, मतलब वो पब वाला ड्रेस वगैरह नहीं पहने थे, मतलब ऐसा कुछ मतलब मन ही नहीं था, वो एक मेंटली प्रिपेयर होकर चलोगे तो ठीक है, आज वैसा मूड नहीं था कि आज मन था कि थोड़ा सा गप्पे लगाओ आराम से घूम फिर के आओ, तो जो भी अच्छा सा मतलब बीता आज का दिन, अच्छा सा बीता। चलो होप करती हूँ कि ये जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करना है, सब्सक्रिप्शन पे नए हो प्लीज विजिट करो, देन मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फुल ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।